स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की यूनिट 4 में डबल इंटीग्रेशन मेथड के कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे सेंटर पे लोड लग रहा है, उसका हमने स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड किया था। इस वीडियो में हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले रहे हैं जिस पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमने कंसीडर करी है और उसमें हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया है पूरे स्पान पे। उसका हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बीम कंसीडर करी है ए बी जिस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। सबसे पहले हम रिएक्शंस फाइंड करते हैं। जैसा कि हमारे जो बीम है वो सिमेट्रिक है तो जो रिएक्शंस है वो टोटल लोड के हाफ हो जाएगी। टोटल लोड यहाँ पे आएगा W इंटू एल, तो रिएक्शंस आ जाएगी आर ए इजिकल्स टू आर बी इजिकल्स टू W इंटू एल बाय 2। नाउ अब हम एक सेक्शन लेंगे एक्स एक्स और उस पर हम मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड से, तो मोमेंट कैसे लिखेंगे, जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा और जो लोड है वो नेगेटिव रहेगा। तो हम मोमेंट कैसे लिख सकते हैं, मोमेंट यहाँ पे लिखेंगे आर ए इंटू एक्स, रिएक्शन है तो पॉजिटिव रहेगी आर ए इंटू एक्स माइनस, अब लोड है और लोड कितने का लग रहा है, देखो एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है तो डब्ल्यू इंटू एक्स लिखेंगे और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक्स बाय 2। तो मोमेंट जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू एक्स बाय 2। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो डब्ल्यू इंटू एल बाय 2 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसको हम जो हमारी डबल इंटीग्रेशन इक्वेशन है एम इजिकल्स टू ई आई डी स्क्योर वाई बाई डी एक्स स्क्योर उसमें पुट कर देंगे, तो एम की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ई आई डी स्क्योर वाई बाई डी एक्स स्क्योर इजिकल्स टू डब्ल्यू इंटू एल बाई 2 एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्योर बाई 2। अब जब हम इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास स्लोप इक्वेशन आ जाएगी। वी गेट ई आई डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू डब्ल्यू इंटू एल बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्ल्यू बाई 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 और इंटीग्रेट करते हैं तो कॉन्स्टेंट आता है तो प्लस C1। जब इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आ जाएगी। ई आई वाई इजिकल्स टू डब्ल्यू इंटू एल बाई 4 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डब्ल्यू बाई 6 इंटू एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस C1x प्लस C2। अब हमको C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हम फाइंड कर सकते हैं बाउंड्री इक्वेशन के। अब यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट है तो हमको दो बाउंड्री कंडीशन लगेगी। पहली हमारी जो बाउंड्री कंडीशन रहेगी वो रहेगी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो वाई इजिकल्स टू जीरो। तो जैसे ही हम इस डिफ्लेक्शन इक्वेशन में वाई जीरो पुट करते हैं और एक्स जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास C2 कितना आ जाता है जीरो। तो हमारे पास C2 की वैल्यू कितनी आ गई जीरो। अब C1 की वैल्यू निकालना है तो C1 के लिए हमारे पास एक और बाउंड्री कंडीशन है। यहाँ पे देखिए सेकंड बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इक्वल्स टू एल वाई इजिकल्स टू जीरो। ये जो हमारे पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन है इसमें हम एक्स की वैल्यू एल रख देंगे और वाई जीरो रख देंगे। तो जैसे ही हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं तो हमारे पास C1 की वैल्यू आ जाती है। वी गेट द वैल्यू ऑफ C1। अब जो C1 की वैल्यू हमारे पास आई है वो हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करते हैं। C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है माइनस डब्ल्यू एल की पावर 3 डिवाइडेड बाय 24। अब ये जो C1 की वैल्यू है C2 की वैल्यू हमने डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर दी तो हमारे पास ये हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ गई ई आई वाई इजिकल्स टू डब्ल्यू इंटू एल बाई 2L एक्स क्यूब माइनस डब्ल्यू बाई 24 एक्स की पावर 4 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 इंटू एक्स। नाउ अब हमको स्लोप इक्वेशन भी निकालनी है तो स्लोप इक्वेशन में हम C1 की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम स्लोप इक्वेशन में C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये जो स्लोप इक्वेशन है इसमें हम dy बाई डी एक्स इजिकल्स टू डब्ल्यू इंटू एल बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्ल्यू बाई 2 इंटू एक्स की पावर 3 बाई 3 प्लस C1। तो C1 की जगह हम कितना पुट कर देंगे माइनस 20 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 24। नाउ अब अपनों को थीटा ए निकालना है तो वहाँ पे x इक्वल्स टू कितना पुट कर देंगे हम 0। और dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा थीटा ए।
सो ई आई थीटा ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाय 4 इंटू 0 माइनस डब्ल्यू बाय 6 इंटू 0 माइनस डब्ल्यू एल की पावर 3 डिवाइडेड बाय 24. नाउ ये हमारा आ जाता है माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 24 और डब्ल्यू इंटू एल हमारा बड़ा डब्ल्यू है सो वो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 24. तो ये हमारा स्लोप आ जाएगा. अब आपका जो लोड है वो सिमेट्रिक है तो थीटा बी भी उतना ही आ जाएगा. सो ये हमने निकाल लिया थीटा ए एंड थीटा बी. अब हमको निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. सो जो हमारी इक्वेशन है डिफ्लेक्शन इक्वेशन है ई आई वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल की पावर 2 एल एक्स क्यूब माइनस डब्ल्यू बाय 24 एक्स की पावर 4 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 24. सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा सेंटर पे मींस एट एक्स इक्वल्स टू एल बाय 2. तो इस डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू कितना पुट कर देंगे एल बाय 2. तो जैसे ही हम एक्स की वैल्यू एल बाय 2 पुट करते हैं तो हमारे पास ई आई वाई सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाय 2L इंटू एल बाय 2 होल क्यूब माइनस डब्ल्यू बाय 24 इंटू एल बाय 2 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 24 माइनस एल बाय 2. तो जैसे ही आप ये पुट करते हैं तो आपके पास वाई सी आ जाता है माइनस 5 बाय 384 डब्ल्यू एल क्यूब बाय ई आई. मीन्स जब भी आपका सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा और उस पर यू डी एल लगा हुआ है तब आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आएगा माइनस 5 बाय 384 डब्ल्यू एल क्यूब बाय ई आई. अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल गिवन है तो हम वो देख लेते हैं न्यूमेरिकल कैसे फाइंड कर सकते हैं. ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सेक्शन 200 mm वाइड एंड 300 mm सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड. इट कैरीज ए यू डी एल ऑफ 9 किलो न्यूटन पर मीटर एंड द वैल्यू ऑफ ई फॉर द बीम मटेरियल इज 1 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर. फाइंड स्लोप एट द सपोर्ट एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. सो वही है तो हमको बी और डी गिवन है तो हम बी और डी से आई फाइंड कर सकते हैं. आई कितना होता है बी डी क्यूब बाय 12 रेक्टेंगुलर सेक्शन का. सो हम आई निकाल सकते हैं तो आई कितना हो जाएगा हमारा बी 200 है डी 300 है. सो आई इज इक्वल्स टू 200 × 300 क्यूब बाय 12. ये आ गया हमारा 4.5 × 10⁸ mm की पावर 4. नाउ हमको W गिवन है 9 किलो न्यूटन पर मीटर. इसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट करा तो हो गया 9000 न्यूटन पर मीटर. नाउ L हमारे पास 5 मीटर है सो इसको हमने mm में कन्वर्ट करा तो ये हो गया हमारा 5000 mm. W कितना होता है W इंटू एल. सो W इंटू एल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45000 न्यूटन. ये हमको गिवन है. हमको थीटा ए एंड वाई सी निकालना है. सो थीटा ए की वैल्यू हमको पता है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 24 ई आई होती है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 45000 × 5000 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 × 1 × 10⁴ × 4.5 × 10⁸. यह आ जाएगा हमारा 4.0104 रेडियंस में. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वाई सी इक्वल्स टू 5 बाय 384 डब्ल्यू एल क्यूब बाय ई आई. सो 5 बाय 384 इंटू 45000 इंटू 5000 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 × 10⁴ इंटू 4.5 × 10⁸. तो ये हमारा mm में आ जाएगा 16.27 mm. तो इस तरीके से हम सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब UDL लगा होता है तो हम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज. ये हमारी डबल इंटीग्रेशन मेथड का सेकेंड एग्जाम्पल था. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.